declared by unanimous decision and stand! The Raiders! नई दिल्ली में वियतनाम की थी चैमलू येन को हराकर लगातार दूसरी बार बन गई है विश्व चैंपियन। So, बच्चों, आप लोगों ने पिछले दो दिन में निखत जरीन के बारे में जरूर सुना होगा। आप जानते ही होंगे निखत जरीन को, जिन्होंने दूसरी बार वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। लेकिन क्या इस आज की सक्सेस के पीछे एक दिन या दो दिन की मेहनत थी? बिल्कुल नहीं। इस आज की सक्सेस के पीछे जाने उन्होंने कितने दिन, महीने, साल मेहनत की है, कितनी बार इस थॉट के साथ वो लड़ी है कि मैं शायद क्विट कर दूं, शायद मुझसे नहीं होगा, बट फिर भी वो डटी रही है एंड रिजल्ट हम लोग सब देख सकते हैं। बच्चे, क्या आपको नहीं लगता कि आप नीट एस्पिरेंट्स की जर्नी भी कुछ इस तरह की है? आप लोग 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हो उस 3 घंटे के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ताकि आप अपने ड्रीम को, डॉक्टर बनने के सपने को जी सको, है ना? आप एक चीज सोचना इस पूरे इंसिडेंट को बताने का क्या मतलब है। आप एक चीज एक बार सोच के देखना कि अगर निखत जरीन ने, जब उनको अंदर से फील आता होगा कि मैं क्विट कर दूं, और अगर उस टाइम पर उन्होंने क्विट कर दिया होता, तो क्या आज पूरी दुनिया उनकी ये सक्सेस को देख पाती? बिल्कुल नहीं। और वही आप लोगों को करना है। आई नो इस जर्नी में जिस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिस मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, बहुत बार वो मोटिवेशन गिरती है। कभी आसपास के लोग, कभी रिलेटिव्स, कभी कोई हमें सुना रहा है, कभी हम खुद से कंपेयर कर रहे हैं, कभी हम खुद उस सेल्फ डाउट में है कि शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग जब मॉक टेस्ट देते हैं, वो नेगेटिव मार्किंग, मार्क्स का कमाना, याद आई हुई चीजें भूल जाना, पता नहीं कितना कुछ हमारे दिमाग में चलता है एंड वी फील लाइक दैट वी शुड क्विट। And this is the moment when you need to realize कि नहीं, अब हम ना quit करेंगे, ना हम quit कर सकते। This is the time जब आपको ये सीखना है कि जो बचा हुआ time है ना, उसमें आप लोगों को अपनी जान लगानी है। अगर आप निखत जरीन का इंटरव्यू सुनेंगे तो उन्होंने यही कहा है, जो उनका लास्ट मैच था उसमें उन्होंने 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके खिलाड़ी को डिफीट किया है, राइट? और उनके बस दिमाग में ये चल रहा था कि आज मुझे अपनी पूरी एनर्जी लगानी है, मैं एनर्जी बचा के करूंगी तो करूंगी क्या। वही आप लोगों को करना है। ये जो लास्ट का एक मंथ है ना बच्चे, लास्ट का एक टाइम है, इसमें बहुत कुछ बदल सकता है। इसमें अगर आप लोगों ने इस टाइम पर खुद को डीमोटिवेट फील करवाया, इस टाइम पर अगर आप लोगों ने गिव अप किया, आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। और अगर इस टाइम पे आपने एनर्जी के साथ एक दोबारा से शुरुआत कर दी, ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स बच्चे, आप लोग खुद से डिफरेंस देखेंगे अपने मार्क्स में। जिस दिन वो एनटीए की साइट पे रिजल्ट आएगा ना, आप अपना स्कोर कार्ड देखेंगे, अपने मार्क्स देखेंगे और आपको लगेगा यार अब तो मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकता हूँ। उस दिन बच्चे ये सारे एफर्ट्स, ये सब कुछ वर्थ इट होगा, सब कुछ वर्थ इट होगा। लेकिन उसके लिए आज हमें एक एटीट्यूड लेके आना है कि हम गिव अप नहीं करेंगे। आप एक पेपर पर लिखिए अपना ड्रीम कॉलेज का नाम, लिखिए MBBS, लगा लीजिए उसको अपने स्टडी एरिया पे। जितनी बार डीमोटिवेटेड फील करते हैं उसको देखते रहो, राइट? उसको देखते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट आपको ही मिलना है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप उसके लिए डिजर्विंग। ये जो लोग, जिनकी हम लोग कहानियां सुनते हैं ना, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, हम देखते हैं इन्होंने ऐसा कर दिया लाइफ में, वैसा कर दिया, वो कभी एक दिन की मेहनत नहीं होता। वहां पता नहीं कितनी बार वो इस थॉट से लड़ते हैं कि हम गिव अप नहीं करेंगे, और उन्होंने गिव अप नहीं किया तभी उन्हें रिजल्ट मिला। सो इन बातों को एक बार बंद आंखों से इस वीडियो को जरूर सुनना, एक बार इन चीजों को फील करना। आई नो अगर आप लोगों ने दिल से इन चीजों को फील किया ना, आप ना कभी गिव अप करेंगे और आप लगे रहेंगे और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। टेक केयर।